तो आज की क्लास का टॉपिक है भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हेडिंग डाल लो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो मैं कुछ फॉर्मेट लिखा रहा हूँ आपको, आपको देखिए मैंने कुछ फॉर्मेट पढ़ाए अभी तक। पहला फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल टाइप के। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, चेन रूल। फिर मैंने आपको पढ़ाया इम्प्लिसिट, याद कीजिए। और फिर मैंने आपको पढ़ाया क्या, इनवर्स वाले, जिसको मैं बोलता रहा हूँ बाई सब्स्टिट्यूशन। चार फॉर्मेट हो गए। आज है पहला फॉर्मेट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग कहाँ कहाँ लगेगा। तो पहला लॉग में पहला फॉर्मेट नोट करो, अगर y इज इक्वल टू कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो, f1x, f2x, f3x, f4x और कई सारे फंक्शन अगर आपके मल्टीप्लाई हैं, तो आप बिंदास लॉग लगाइए, बेहतरीन लॉग लगेगा, एकदम चमक करके लगेगा। देखो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कोई फंक्शन दे दिया गया y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अरे सर इतने सारे फंक्शन, आपने तो दो का मल्टीप्लाई सिखाया है, चार का तो सिखाया नहीं है। तो बच्चों दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग लेने से क्या फ़ायदा बनेगा, लॉग की एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी होती है, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जितने फंक्शन इसके अंदर मल्टीप्लाई में होते हैं सबको प्लस में धर देता है। तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग टेन एक्स प्लस लॉग ई की पावर एक्स, सब प्लस में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी ही होगी बचपन से, और लॉग ए इंटू बी दो थे तो दो को प्लस में कर देता था लॉग ए प्लस लॉग बी। ये तो अगर बहुत सारे हैं तो सबको प्लस में करता जाएगा, अगर लॉग ए इंटू बी इंटू सी है तो भैया ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तीन है तो तीन को कर दिया, चार है चार को कर देगा। तो बच्चों पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो लॉग का इस्तेमाल करिए। पहला रूल लिख लो, व्हेन ऑल द फंक्शंस आर इन मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरा रूल। हाँ बेटा कुछ बोले यशराज। नो सर, यस सर बोल रहा था। हाँ दूसरा रूल देखो बेटा क्या है, अगर मान लो फंक्शन की पावर में बड़ी उटपटांग सुटपटांग पावर्स हैं कुछ, जैसे एफ वन एक्स की पावर, जैसे मान लो एफ वन एक्स की पावर एन वन है और एफ टू एक्स की पावर एन टू है ना, और एफ थ्री एक्स की पावर एन थ्री है, कुछ भी है एन थ्री या वन बाई एन थ्री, मतलब बहुत सारी पावर हैं और फंक्शन आपका मल्टीप्लाई फॉर्म में है या डिवाइड फॉर्म में है। आगे की बात कर दी मैंने डिवाइड फॉर्म, अभी डिवाइड फॉर्म भी आएगा। तो देखो क्या करोगे, लॉग ले लोगे। लॉग का फ़ायदा क्या होगा, देखो वही लॉग वाई इज इक्वल टू पहले का लॉग मल्टीप्लाई में, लॉग किस में जाता, प्लस में। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ वन एक्स की पावर एन वन प्लस लॉग ऑफ एफ टू एक्स की पावर एन टू प्लस लॉग ऑफ एफ थ्री एक्स की पावर एन थ्री। ये चला गया बच्चों। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर आगे कूद आएगा, क्योंकि आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। क्या पढ़ी है कि लॉग अगर रेडिकल का बेस कोई पावर होती है तो वो कहाँ जाता है, पावर आगे, ये हो जाता है एन लॉग एम। तो बस यही प्रॉपर्टी का यूज़ कर दो। तो यहाँ पे एन वन कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा लॉग एफ एक्स, प्लस एन टू बाहर आ गया, यहाँ हो गया लॉग एफ एक्स, प्लस एन थ्री बाहर आ गया, यहाँ हो गया यहाँ एफ टू एक्स और यहाँ हो गया एफ थ्री एक्स। चलो भैया लो ये बन गया आपका लॉग वाई। तो पहला दूसरा तीसरा फंक्शन ये आ गए, सेकंड हो गए, समझ में आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस नो कुछ तो बोलो बच्चों। यस सर। ओके, तो ये लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी का बेटा इस्तेमाल हो गया। अब हम लॉग की एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अभी आपने किस में देखा, ये मल्टीप्लिकेशन में सारा मामला देखा। लॉग मतलब कितना घटिया से घटिया पावर आवर में फंक्शन होगा ना, उसको बर्बाद करके रख देता है लॉग। लॉग उसको सिंपल कर देगा मज़े से। अब देखो मैं डिवीज़न के केस में लेके जा रहा हूँ और हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है
ऐसा दिया गया है, एफ वन एक्स की पावर एन वन, जी वन एक्स की पावर सॉरी एफ टू एक्स की पावर एन टू अपॉन, दूसरा नीचे क्या जी वन एक्स, ये भी फंक्शन है, की पावर मान लो एन थ्री है और जी टू एक्स की पावर एन फोर है। अरे सर इतने सारे चीज़ें, ऊपर भी पावर फंक्शन मल्टीप्लाई में, उसके नीचे डिवाइड में पावर फंक्शन। तो बच्चों क्या करो, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आप जानते हो, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो चुपचाप यहाँ पे आप लॉग ले लो, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऊपर वाला बटे नीचे वाला, तो ऊपर वाला लॉग क्या आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा इसकी, तो लॉग ऊपर वाला यानी एफ वन एक्स की पावर एन वन इंटू एफ टू एक्स की पावर एन टू माइनस लॉग नीचे वाला जी वन एक्स की पावर एन वन इंटू जी टू एक्स की पावर एन टू। अब इसको ब्रेक कर लो भाई, हाँ लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये लॉग वाई तो रहेगा यहाँ पर, लॉग ए मतलब कितना हो जाएगा एन वन आगे कूद जाएगा और क्या आ जाएगा एफ वन एक्स, और बीच में क्या आएगा प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई है, जैसे लॉग लोगे तो एन टू आगे कूद जाएगा एन टू लॉग एफ टू एक्स माइनस एन वन लॉग जी वन एक्स, और मल्टीप्लाई में है तो प्लस आ जाएगा ब्रैकेट में एन टू लॉग जी टू एक्स। मतलब बच्चों बड़े आराम से बड़े प्यारे तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी, डिवीज़न और मल्टीप्लाई का कितना बड़ा लोचा लफड़ा हो वहाँ पर लॉग ही लगेगा। पावर हो, रेडिकल हो, इनकम्प्लीट पावर हो, कंप्लीट पावर हो, मल्टीप्लाई हो तो लॉग लगेगा। चलो तो स्क्रीनशॉट वैसे मैं भेज दूंगा अभी ये पूरी फाइल, तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझते जाओ मन लगा कि। चौथे प्रॉपर्टी में आओ भाई, लॉग कहाँ लगेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जैसे पहले फंक्शन की पावर में ही फंक्शन लो, तो क्या लगेगा, तो लॉग लगेगा। एग्जाम्पल देख लो, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ओके बड़े शौक से लॉग ले लीजिए, तो लॉग y इज इक्वल टू लोगे लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, कॉस उछल करके नीचे आ गया, तो लॉग y इज इक्वल टू एक फंक्शन बन गया कॉस एक्स और दूसरा फंक्शन बन गया लॉग साइन एक्स। अब कर देना डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट है तो लगा देना, आओ ना देखे ताओ, समझ गए ना। यस हाँ, तो ये प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, ये फोर्थ फॉर्मेट हो गया। फिफ्थ फॉर्मेट में बताता हूँ, देखिए फोर्थ फॉर्मेट लिख लो, फंक्शन की पावर फंक्शन एफ वन एक्स की पावर एफ टू एक्स, ठीक है ये हो गई एक प्रॉपर्टी। यस सर। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपके पास फंक्शन की पावर कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू कांस्टेंट की पावर फंक्शन फंक्शन, तो भी आप इसमें लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू टू की पावर साइन x है, ये लो भाई y इज इक्वल टू टू की पावर साइन x, ले लो लॉग दोनों तरफ का, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू की पावर साइन x है। साइन x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, पेंड बज गई फंक्शन की तो ख़त्म हो गया बेचारा, साइन x आ गया आगे और केवल कोने में क्या बच गया लॉग टू, लॉग टू कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आगे आ जाएगा। ये हो गया लॉग के सारे रूल पूरे। अब आइए बच्चों क्वेश्चन करवाता हूँ मैं पहला लॉग का। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा वाई लिख लो, वाई इज इक्वल टू क्या है कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, ये दिया फंक्शन। तो पहले ही देख लिया आपने सर, सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, क्या कर दो लॉग ले लो तीनों का। चलो तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। चलिए बिंदास लॉग ले लीजिए, तो log y इज इक्वल टू एक लाइन आपके लिए बढ़ा के लिखूंगा cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। प्रॉपर्टी लगा दो a इंटू बी इंटू सी वाली, क्या होगा log a प्लस log b प्लस log c, तो log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ये हो गया जी तीसरी प्रॉपर्टी लग गई है।
क्या कर दीजिए बच्चों, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमें मेन काम है। क्यों करना है? क्योंकि हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो चलो वही आओ ना देखेता हूँ, लेके चले अपन इंजेक्शन डी बाई डी एक्स का। टिंग टोंग, वाई की घंटी बजाई यहाँ पे, और यहाँ पे भी लगा दो सबको, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, इसमें भी बढ़ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस थ्री एक्स। चलिए देखो, अब आपने पुरानी एक्सरसाइज में कितनी प्रैक्टिस करी है अब समझ में आएगा। टिंग टोंग, ये वाई का फंक्शन है, बेल बजी टिंग टोंग, ये बोले भाई मैं वाई का वेरिएबल हूँ, मुझे वाई से डिफरेंशिएट करो। लियो भाई इंजेक्शन बदल दो, डी वाई वाई डी वाई, यहाँ पे आ गया लॉग वाई और यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब देखो यार, अब तुमको बनना चाहिए, मैंने डंडा मेथड सिखाई थी, सबसे पहला डंडा किस पे चलेगा? लॉग पे, या तो टी लेकर के करो थोड़ा सा टाइम पास, और ना समझ में आए तो पूछ लेना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, हफ्ते भर हो गया, भूल सकते हो। तो भैया लॉग के ऊपर डंडा चलेगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होता वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स की जगह कौन बैठा है? कॉस एक्स, फिर डंडा आएगा कॉस के ऊपर, तो कॉस के ऊपर डंडा है, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स, तो इस तरीके से हो गया। चलिए अगला देखिए, लॉग कॉस टू एक्स है, तो लॉग पे डंडा चला, तो लॉग का क्या होता है? वन अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह कौन बैठा है? कॉस टू एक्स, तो वन अपॉन कॉस टू एक्स, फिर कॉस पे डंडा चलेगा, तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है, माइनस साइन, एंगल क्या है? टू एक्स हो जाएगा, और फिर टू एक्स पे डंडा चलाओ तो टू हो गया कॉन्स्टेंट, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन। तो भैया डायरेक्ट आदत बनानी पड़ेगी, और जिसको ये नहीं बन रहा है प्लीज़ मुझसे पूछ लो, मैं अभी आपको सॉल्व कर दूंगा, ये मैं करा चुका हूँ, टी रूल लेकर के करते हैं, वही टाइम पास करना पड़ेगा, इसको टी मानना पड़ेगा, लॉक टी बन जाएगा, फिर डी बाई डी टी आ जाएगा, तो वन अपॉन टी हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। चलो लॉक पे डंडा चलाओ, तो लॉक का होता है वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे कौन बैठा? कॉस थ्री एक्स, तो वन अपॉन कॉस थ्री एक्स, फिर कॉस पे डंडा चलाओ, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थ्री एक्स, फिर थ्री एक्स पे डंडा चलाओ तो कितना आएगा? थ्री। चलिए खेल ख़त्म हो गया, आंसर आने वाला हम लोग का, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ आपके लिए, जिससे अगली स्लाइड में आपको मज़ेदार तरीके से दिखाई दे, ये मैंने कर लिया क्रॉप। यस, ये देखो जी, ये आ गया हमारा। अब देखिए बच्चों, डी बाई डी वाई लॉग वाई का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हो, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, तो डी लॉग वाई का वन अपॉन वाई, यहाँ पर डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यार साइन अपॉन कॉस होता है माइनस टेन एक्स हो जाएगा, साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स, ये माइनस टेन टू एक्स हो जाएगा, और साथ में टू है तो माइनस टू टेन टू एक्स, यहाँ पे है थ्री तो थ्री आगे उचट करके आ गया, माइनस थ्री साइन अपॉन कॉस हो गया कितना? टेन, तो माइनस थ्री टेन थ्री एक्स। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई नीचे था उछल करके ऊपर चला जाएगा, तो वाई मल्टीप्लाइड बाई माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन टू एक्स माइनस थ्री टेन थ्री एक्स। सर वाई की वैल्यू पुट कर दें? बिल्कुल पुट कर दो भाई वाई की वैल्यू, y की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में? एग्जैक्टली शुरू में दी गई थी y की वैल्यू cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, तो चाहे तो यहाँ पे पुट कर दें cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, और ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लो, लेने ना हो तो अंदर वाले सब प्लस बन जाएंगे, टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स, डन, नोट कर लीजिए। तो ये है आपका डेरिवेशन, इसका डिफरेंशिएशन एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, ये देख लीजिए जी, बिल्कुल सही है, माइनस कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स और ब्रैकेट में ये। चलो सबके पास पीडीएफ है भाई, टैग कर देना यदि ना हो तो, तो इस लोग सब लोग देख करके इसको सॉल्व करो। चलो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बन जाएगा सबसे? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देखिए, कुछ नहीं है बच्चों, y इक्वल टू लेकर के लॉक कर देना, तो देखो लॉक कर दोगे तो ये 1 बाई टू पावर बाहर आ जाएगी, क्यों आ जाएगी 1 बाई टू बाहर? ये क्या लिखा हुआ है, आपको केवल उलझा रहा है, x माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव की पावर है ये टोटल 1 बाई टू। जैसे लॉग लोगे बच्चों, ये 1 बाई टू कूद करके आगे आ गया, ये देख लो, अब इसके बाद लॉग ऊपर वाला बटे लॉग नीचे वाला, थ्योरम मैंने बता दिए, लॉग ए अपॉन बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी,
और लॉग ए मल्टीप्लाई में चले जाएंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो प्लस में टूट गए, और ये तीनों भी मल्टीप्लाई में हैं तो प्लस में टूट गए, मगर इस माइनस की कृपा से सारे के सारे क्या आ गए, माइनस आ गए। हो गया, अब रगड़ दो इनका डिफरेंशिएशन, 1/2 डंडा मेथड जिंदाबाद, लॉग में डंडा चला 1/(x-1) और x-1 का डिफरेंशिएशन 1-0 तो 1 आ जाएगा। अगले में डंडा चलेगा 1/(x-2), अगले में डंडा चलेगा 1/(x-3), अगले में डंडा चल गया 1/(x-4), करते करते ये फाइनल आंसर बनाएगा, और वाई की वैल्यू ऊपर पुट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब करने बैठोगे तो बहुत आराम लगेगा। अगला फॉर्मेट देखिए, फंक्शन की पावर फंक्शन, क्या करेंगे, लॉग लेंगे। अगला फॉर्मेट देखिए, फंक्शन की पावर फंक्शन। युवराज इसको लेके चले जाओ, गुड़िया हल्ला कर रही है। हाँ, अगला फॉर्मेट देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू लॉग x की पावर है cos x, तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, फिर से लॉग ले लीजिए। देखिए लॉग ले लिया, लॉग y इक्वल टू cos x इंटू लॉग cos x, दो फंक्शन बन गए, ये बन गया फर्स्ट और ये बन गया सेकेंड। डिफरेंशिएट कर दीजिए, बहुत आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ तक आपके लॉग वाले क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद अगला फॉर्मेट शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं दो फॉर्मेट आज की क्लास में मेरा टारगेट है, मैं दो फॉर्मेट करा रहा हूँ, इसके बाद ये क्वेश्चन आपके हवाले कर दिए जाएंगे आपको करने के लिए, समझ गए ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई फॉर्मेट नहीं है, वही है वाई लॉग लेकर के, है ना। मगर क्वेश्चन नंबर 4 नए फॉर्मेट से सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है नए फॉर्मेट से सॉल्व होगा। आइए लिखते हैं नया फॉर्मेट जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। फॉर्मेट नंबर कौन सा है यार, 3, 4, 5 हो गया, छठवां फॉर्मेट, फॉर्मेट नंबर सिक्स। इस मेथड को मैं बोलता हूँ कुंटे पे ले जाके, खोपचे में ले जाके देना पड़ता है इसमें, तो इसको मैं बोलता हूँ खोपचा मेथड या कॉर्नर मेथड कहते हैं इसको, साइड में ले जाओ। स्कूल में लड़ाई हो जाती है ना प्रिंसिपल ऑफिस के सामने, तो कहते हैं ये थोड़ा साइड में ले जाओ इसको, फिर उसको खर्चा दे के आते हैं अपन, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक फंक्शन है, वो सामने सामने सॉल्व नहीं होगा, अपन उसको साइड में ले जाएंगे, फिर उसको हम खर्चा पानी देंगे। तो ऐसे ही ये फंक्शन है, कॉर्नर मेथड है। अब इसका फॉर्मेट देख लो बच्चों मेरे, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है कि एक फंक्शन की पावर दूसरी फंक्शन, सर ये तो बता चुके हो आप, प्लस या माइनस दूसरे फंक्शन की पावर तीसरी फंक्शन। ये देखो जी, ये फॉर्मेट रहेगा, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन। अब आपके मन में आएगा सर क्यों लॉग लो ना, क्या दिक्कत है सर, लॉग ले लो ना। तो बच्चों अगर तुम इसको y मान रहे हो, यानी y इज इक्वल टू f1x की पावर g1x, कुछ तो मानोगे सॉल्व करने के लिए, y मानते हैं यूजुअली, और प्लस है f2x की पावर g2x, लॉग क्यों फेल हो जाएगा। लॉग इसलिए फेल हो जाएगा बेटा कि अगर यहाँ पर आप लॉग लेते हो लॉग वाई, तो यहाँ पे भी लॉग तो आएगा, बट लॉग समथिंग प्लस समथिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लॉग ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, याद रखना भाई। लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, बट आपका मन कह रहा है कि सर लॉग दिस प्लस लॉग दिस बराबर अलग अलग कर लो, नहीं भैया नहीं होता है। ये नहीं कि तुमने इधर लॉग ले लिया तो इसको भी लॉग में अलग कर दिया, उसको भी लॉग में अलग कर दिया, वो कब होता है जब लॉग मल्टीप्लाई में हो, वो तब होता है, मतलब लॉग प्लस में और माइनस में कभी अप्लाई नहीं होता। तो आप इसको लॉग प्लस या माइनस में अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस वजह से यहाँ पर आपको एक नई मेथड निकाली गई है जिसका नाम है खोपचा मेथड, कॉर्नर मेथड, कुंटा मेथड, समझ गए ना। आइए इसको कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल टू पहला फंक्शन पावर में दूसरा फंक्शन प्लस एक और फंक्शन और उसकी पावर में भी एक और फंक्शन, ये आ गया, तो कुछ नहीं चुपचाप इसको u ले लो और इसको v ले लो। बोला भाई साहब आप u हो आप v हो, u और v, ठीक है ना। फिर क्या करना चाहते हैं, हम आपको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो अगर u को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा, du by dx, और v को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा, dv by dx। बोलो हाँ। अब अगर डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करोगे तो नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएट, क्योंकि पावर में है और लॉग लगेगा नहीं साथ में, तो u को बुलाओ खोपचे में,
बोले अब बातें हो गई सामने सामने, अब थोड़ा साइड में आइए। यू बराबर क्या है एफ वन एक्स की पावर जी वन एक्स। अब अकेले में तो अपन इसका डी यू बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, बट इसके लिए पहले लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग यू इक्वल टू, जैसे ही लॉग लिया तो ये कूद करके आगे आ जाता है, जी वन एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ वन एक्स। फिर वी की वैल्यू क्या अपने पास, अब लॉग यू है, सॉरी मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दो आप एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ बिंदास लगाओ अपना जी वन एक्स इंटू लॉग एफ वन एक्स। अब कहोगे अब कैसे डिफरेंशिएट कर पाओ, अब मैं भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये तो फॉर्मेट है, फंक्शन थोड़ा ना है, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है। तो कुल मिलाकर के इसको डिफरेंशिएट करके तुम्हारे पास डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा, उसको उठाना और यहाँ पर छेप देना, क्योंकि पकड़ के अपन ने खोपचे में कूट दिया इसको, कूट करके डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया और ला के पुट कर दिया। इनको ठंडा करने के बाद अपन पकड़ेंगे वी को। चल बेटा अब आइए, अब आपसे खातिरदारी हो जाए। तो वी बराबर दूसरा फंक्शन एफ टू एक्स की पावर जी टू एक्स, फिर से इसको पढ़ें लॉग, तो लॉग वी बराबर हो जाएगा लॉग जी टू एक्स, कूद के आगे आ जाएगा और एफ टू एक्स। अब इसको सॉल्व करना, आप डिफरेंशिएट करना डी वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और फाइनली डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसको भी उठा करके वहीं पर पुट कर देना, और जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो समझ में आई प्रोसेस की नहीं आई बच्चों? यस सर। अब एक क्वेश्चन देखो, बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे ये है बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर एक्स माइनस टू की पावर साइन एक्स। चलो भाई पकड़ लेते हैं, फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स माइनस टू की पावर साइन एक्स। पहले ही देख लिया फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन। सर इकट्ठा तो लॉग ले नहीं सकते हैं, याद आ गई मेरी मेथड की, यू वी लिखोगे ऐसे एग्जाम में, लेट एक्स की पावर एक्स बराबर यू, ऐसे लिखोगे, लेट यू इक्वल टू एक्स की पावर एक्स एंड वी इक्वल टू टू की पावर साइन एक्स, ऐसे लिखोगे। तो ये हो जाएगा कितना, वाई इक्वल टू यू माइनस वी। तो डी वा बाई डी एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा भविष्य में, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, रिलेशन नंबर वन ये दे दिया। ये वन इसलिए है क्योंकि जो भी अपन मार्क उटाई करके इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। चलो अब स्वागत करें इनका यू भाई, यू इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। चलो खोपचे में लिखोगे यू इक्वल टू एक्स की पावर एक्स है, क्या निकालना हमारे टारगेट में क्या है, डी यू बाई डी एक्स, चाहे कैसे निकालें, समझ गए ना। चलो लॉग ले लो भाई, और तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लॉग ले लिया, लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, तुरंत एक्स आगे कूद के आ गया, लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। आह दो फंक्शन बन गए मस्त वाले, एक ये और एक ये। चलो डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स लॉग यू इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स। अच्छे से करो, आराम से करो, जहाँ समझ में ना आए पूछो। लॉग यू का डिफरेंशिएशन, फिर वही बात, टिंग टोंग, वेरिएबल एक्स का मरीज यू का, बोलेगा भैया मेरे को यू दे दे, ये डी यू बाई डी यू लॉग यू और डी यू बाई डी एक्स। चलो ये तो ठीक है इस तरफ, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो रूल लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। चलो फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना, वन, एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, भैया कितना बच गया, वन प्लस लॉग एक्स। अब इधर की कहानी देखो, लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन यू, और ये क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। चलो तो देखो ध्यान से, वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स आ गया, वन प्लस लॉग एक्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू कूद करके ऊपर गया, यू वन प्लस लॉग एक्स, यू की वैल्यू छाप दो डी यू बाई डी एक्स, यू की वैल्यू क्या थी एक्स की पावर एक्स, तो एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ये लीजिए पहला आ गया आपके पास। अब उठा करके इसको यहाँ पुट कर सकते हो, ये काम हालांकि लास्ट में करना बट मैं कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स कितना आया बेटा, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स, ये आ गया पहला काम। अब डी वी बाई डी एक्स निकालो, चलो वी क्या है टू की पावर साइन एक्स, ले चलो खोपचे में,
v इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स, ये है। चलो भाई कैसे करेंगे डिफरेंश, लॉग ले लो फिर से, क्योंकि कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, लॉग ले लो। तो लॉग v इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर साइन एक्स, साइन एक्स कूद करके ऊपर आ गया, लॉग v इक्वल टू साइन एक्स लॉग 2, कांस्टेंट बन गया बेचारा लॉग 2, क्योंकि एक्स आई नहीं है तो कांस्टेंट है। अब आइए चलिए इसको करते हैं अपन डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स लॉग वी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू, अरे लॉग 2 तो बाहर ले लो काहे को फालतू, लॉग 2 बाहर झेल, कौन झेलेगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। चलो लॉग वी का डिफरेंशिएशन टिंग टोंग, डी बाई डी वी लॉग वी और डी वी बाई डी एक्स, लॉग 2 बाहर आ गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, कॉस एक्स, लॉग वी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वी और डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। बच्चों वी पलटी मार के ऊपर आ गया, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी पलटी मार के ऊपर आ गया, तो कितना बचा, वी लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, वी की वैल्यू रख दो, वी की वैल्यू कितनी है 2 की पावर साइन एक्स, तो क्या आ गया 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। चलो ये आ गई वैल्यू, ये ले जाके वहाँ रख दो, तो कितना हो गया भाई वैल्यू में, 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 मल्टीप्लाई बाई कितना था, कॉस एक्स था ना, कॉस एक्स, ये लीजिए, ये आपका आ गया आंसर, और आपको मिल जाएंगे 5 में से 5, 5 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, देखो लो ये आंसर है, देखिए आंसर अपने पास बच्चों, देखिए अपने पास आंसर, देखिए x की पावर x 1 प्लस log x, देखो x की पावर x 1 प्लस log x, माइनस 2 की पावर साइन x, माइनस 2 की पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x, बिल्कुल सही, यही आया आंसर। तो बच्चों पूरी एक्सरसाइज में आपको बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो बस पूरी एक्सरसाइज अब लगाइए, और जहाँ पर दिक्कत आ रही है अब मुझसे पूछना शुरू कीजिए। यशराज तुम्हें समझ में आया कि उड़ गया? यस सर आ गया। चलो तो स्टार्ट करो, अब लगाना क्वेश्चन शुरू करो, और जहाँ पे दिक्कत आए तुरंत मेरे को बताओ ये एक्सरसाइज, ठीक है। देखो ये इधर बैठ के जो मतलब यहाँ निशान बैठा और मुस्कान भी है, वो लोग सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मेरे को भेज रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कर रहे हैं, आप लोग की भी जिम्मेदारी है बेटा, आप लोग भी क्वेश्चन करो, जो नहीं बन रहा है मैं 10 बार बताऊँगा, बट यार क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे एक एक, ठीक है ना, बिना लगाए नहीं बन पाएगी, और मिनिमम रिक्वायरमेंट एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के साथ अब धोखा मत कीजिएगा, नहीं तो पास होने की संभावनाएँ भी ख़त्म हो जाएंगी। एनसीईआरटी के साथ जिसने धोखा किया वो पास भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए भैया आप लोग अच्छे से इसको लगाइए। चलिए जल्दी से करिए क्वेश्चन, फॉर्मेट ख़त्म कीजिए, आज इन यही वाला फॉर्मेट था।